क्या आप लोगों ने कभी रोस्टेड टर्मरिक के बारे में सुना है कि रोस्टेड टर्मरिक को आप फेस पे यूज़ करोगे तो आपके फेस की जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी। मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना था और ये मैंने देखा इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम रील पे एक ब्यूटी हैक मैंने देखा जिसमें रोस्टेड टर्मरिक को यूज़ करके उन्होंने कहा कि आप अपने स्किन के दो जो भी दाग धब्बे हैं और एक्नी है, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें दूर कर सकते हैं। तो मुझे ये बहुत वियर्ड लगा क्योंकि टर्मरिक वैसे ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, उसको रोस्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने इस बारे में गूगल पे सर्च किया और यूट्यूब पे भी सर्च किया, तो यूट्यूब पे भी कुछ लोगों ने इस पे वीडियो बनाए हुए हैं कि रोस्टेड टर्मरिक को यूज़ कैसे करना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आज की वीडियो में मैं भी इसको ट्राई करके देखना चाहती हूँ कि आखिर मेरे स्किन पे ये कैसे काम करता है, कुछ काम करता है या नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आखिर इस पैक को बनाना कैसे है। इस पैक को बनाने के लिए लेंगे वाइल्ड टर्मरिक, और जो वीडियोस मैंने देखे थे उन्होंने वाइल्ड टर्मरिक ही यूज़ की थी, और फेस के लिए वाइल्ड टर्मरिक ही यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा अच्छी होती है किचन हल्दी से। और इसको रोस्ट करेंगे 5-10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। आयरन के तवे का मैंने यूज़ किया है। इसको तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाए, और आप देख सकते हो उसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया, अब ऐसा लग रहा है जैसे कॉफ़ी है। तो इस कलर का हो जाए तब तक इसको रोस्ट करना है। अब इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ हनी, ऑर्गेनिक हनी मैंने यूज़ की है, और आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए जब तक कि कुछ इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी आपको मिल जाए। When I'm up through the night, I can't turn down the noise, tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. तो मैंने इस पैक को ट्राई किया, मुझे कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आया। मतलब इतना डिफरेंस नज़र आया जितना कि आप फेस वॉश करने के बाद एक फेस क्लीन लगता है, ऑयल फ्री लगता है, रिफ्रेशिंग फील होता है, उतना ही था। कुछ अलग से इसने काम नहीं किया। बात और बताना चाहूँगी, जो भी वीडियोस देखे, जो भी रील्स मैंने इंस्टाग्राम पे देखी, उन्होंने ये नहीं बताया था कि आखिर रोस्ट क्यों किया है। और जब मैंने गूगल करके देखा तब भी मुझे ये रोस्ट वाली चीज़ कहीं भी नज़र ही नहीं आई कि हल्दी को रोस्ट भी करना चाहिए। फिर मुझे पता चला कि एक ब्लैक टर्मरिक होता है, इसीलिए शायद लोगों ने इसको रोस्ट करके ब्लैक बनाया और यूज़ किया। इसके बारे में कहीं भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, जिन लोगों ने यूज़ किया है उनको भी नहीं पता है कि रोस्ट क्यों किया है। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको इसको ट्राई करना चाहिए, फिर भी आप अगर ट्राई करना चाहते हैं कर लेना, पर इसको ट्राई ना करके अच्छा होगा कि आप डायरेक्ट हल्दी में या तो कर्ड मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बेसन मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, चंदन मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, और ये नहीं तो आप खाली गुलाब जल मिक्स करके इसको यूज़ करके देखो, आपके स्किन के दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। हमेशा याद रखना कि जब भी टर्मरिक स्किन पे यूज़ करनी हो तो आप वाइल्ड टर्मरिक यूज़ करना, क्योंकि जो वाइल्ड टर्मरिक होती है ना उससे चेहरा पीला पीला नज़र नहीं आता। आप घर की हल्दी यूज़ करोगे तो उसको यूज़ करने के बाद चेहरा बिल्कुल पीला नज़र आता है। वाइल्ड टर्मरिक यूज़ करने के बाद आपका चेहरा जो कलर छोड़ती है हल्दी वो ये नहीं छोड़ेगी, आपका चेहरा बड़ा ही निखरा नज़र आएगा, आपको एक अलग ग्लो चेहरे पर नज़र आएगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।